लीगल टीम देखेगी जहाँ कोई पॉलिटिकल इनसे वो कैसे हो सकता है, वैसे करेंगे। लेकिन जल्दी लगता है कि जल्दी उनको लोकसभा में वो कसम खाने का होता है, तो उसके लिए जल्दी मेरे को लगता है कि भगवान ने चाहे तो जल्दी जल्दी हो जाए। ये जो कोई सिस्टम जैसे कोई कानून कायदे के तहत जैसे जैसे आगे होगा वो हमारी लीगल टीम देखेगी जहाँ कोई पॉलिटिकल इनसे वो कैसे हो सकता है, वैसे करेंगे। आप लोगों ने अभी जो अमृतसर के जो वहाँ पे जो डीएम है उनके पास अप्लाई किया आप लोगों ने? नहीं, उसके पास उन्होंने हम लोग को सर्टिफिकेट दिया है उनको एमपी का, तो लेकिन अभी कुछ चल रही है प्रक्रिया जैसे कैसे, तो उस हिसाब से लगता है कितने दिनों में ये। नहीं, लेकिन जल्दी लगता है कि जल्दी उनको लोकसभा में वो कसम खाने का होता है, तो उसके लिए जल्दी मेरे को लगता है कि भगवान ने चाहे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्या मानते हैं आप ये जो उनकी जीत हासिल की किस वजह से, इस तरह की जो उनको बड़ी जीत हासिल हुई? ये जीत जी उनके साथ जो बेइंसाफी की गई वो एक पंजाब को ड्रग से ड्रग एडिक्ट जितने लोग थे उनको बचा रहे थे, तो लेकिन सरकार को कुछ अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ऐसे गलत इल्जाम झूठा उसको बदनाम करके जो इधर इतना बड़ा दूर जेल में फेंका उसे NSA लगाना, लोगों के मन में वो बहुत बड़ा रोष था, लोगों ने इसलिए उसके उसको लोग उनको पहले से भी जो नौजवानी बहुत प्यार करती थी इसलिए लोगों के मन में ये रोष था कि हमारे जो हरमन प्यारे लीडर हैं उसके साथ एक सरकार ने धक्का किया है, तो इसलिए लोगों ने बहुत बड़ी बहुत बहुमत से उसको जिताया। 27 कैंडिडेट थे खदू साहिब, उनके बावजूद जो है वहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी थे, कांग्रेस के भी थे। हाँ हाँ जी, यही है कि लोगों के मन में तब छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक बीबियों तक इतना प्यार था कि हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा, सब इलेक्शन जी लोगों ने लड़ी, इसलिए लोगों के दिल में उसके उनके लिए बहुत प्यार है और सरकार के प्रति बहुत गुस्सा था कि उन्होंने हमारे जो हमारे बच्चों को बचा रहा था उसको ऐसे गलत इल्जाम लगा के इतना दूर फेंका है। तो अमित पाटिल से पहले भी मिले हैं और चुनाव से पहले भी मिले हैं, तो क्या लगता है आगे जाके जो सांसद के रूप में अमृतपाल किस तरह से लोगों की सेवा करेंगे, जैसे कि उसके ऊपर एक इल्जाम था उनके ऊपर कि वो अंडरग्राउंड होकर बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे, ये जो उनको बदनाम करने वाले उनके इल्जाम है ना, लोगों के इल्जाम होते तो लोग इतना तादाद में उसको वोट नहीं डालते, इसलिए वो अभी भी पहले भी लोगों की आवाज उठाते थे, लोगों को दुख दर्द को समझते हुए लोगों को बच्चों को जो पंजाब ड्रग का एक बहुत बड़ा इशू है उसके ऊपर वो अभी भी वो सभी मसलों के ऊपर उनको पूरी नॉलेज भी है, वो आगे से अच्छा से कर सकते हैं, जितना भी उसको मौका मिलेगा वो बढ़ चढ़ के पंजाब के लोगों की सेवा करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर कितने दिन रुकेंगे? नहीं, हम एक दिन ही रुकेंगे, आज उनसे मुलाकात करेंगे, कल हम लोग जाएंगे, तीन बजे जाएंगे।